ये दोस्तों नमस्कार, आरएम टेक्निकल ब्लॉक में आपको स्वागत है। दोस्तों आज आइए एलईडी एलसीडी पावर सप्लाई की पार्ट टू में हमें आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको तो पार्ट वन में सब बता चुका हूं दोस्तों कि एसी से कैसे डीसी होता है, डीसी के बाद हमें इतना जो जल गया दोस्तों, इस जल गया इस सामान को हमें फेंक के कैसे मॉड्यूल लगाना है, ये मॉड्यूल मैं उसके बारे में मैं आपको अभी नया जानकारी नया सलूशन दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी तो करंट दे दिया हूँ दोस्तों। देखिए करंट देने के बाद देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखिए दोस्तों क्या आ गया हमारा 330 वोल्ट के बाद इतना सामान ही हमारा ख़राब हो गया दोस्तों। ये ख़राब होने के बाद देखिए मैं अभी सबको निकाल दूंगा, देखिए अभी निकाल देंगे। निकालने के बाद देखिए दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक छोटा सा कैपेसिटर है दोस्तों, इसमें हमारा जो मोसफेट में देखिए दोस्तों ये 5 तार है, ये हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में लगेगा, ये वाला ऑप्टोकपलर की हमारा 4 नंबर पॉइंट में लगेगा, ये हमारा VCC या उसका करंट सेंस करने के लिए ये वाला 12 से 40 वोल्ट तक 80 वोल्ट तक भी देना पड़ता है दोस्तों। ये वाला हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव या ग्राउंड बोलते हैं, और ये जो पीला वायर दोस्तों हमारा जो मोसफेट की ड्रेन पॉइंट में देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो हमको पहले तो 12 वोल्ट निकालना पड़े, 12 से 40 या 80 वोल्ट निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा PWM IC बोलते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन है, ये वाला भी सेटिंग होगा। पहले तो मैं उसका वोल्टेज पहले चेक करूंगा दोस्तों। देखिए पहले वोल्टेज चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा, और बाद में ये जो हमारा देखिए दोस्तों इसमें तो करंट आ गया, करंट आने के बाद ये हमारा पॉजिटिव है, उसमें जो VCC वोल्ट आना है दोस्तों इसमें VCC वोल्ट नहीं आ रहा है। तो ये PWM IC को मैं खोलूँगा, खोलने के बाद रेडी करूँगा। रेडी करने के बाद ये जो ऑप्टोकपलर देखिए 1 2 3 4 ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइंट में जोड़ने वाला है, देखिए ये पॉइंट, और उसको मैं भी अभी सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद ही दोस्तों ये VCC चेक करूँगा, ये कैपेसिटर में जो रहने वाला वोल्टेज को मैं पहले उसका जो डिस्चार्ज कर दिया है हूँ दोस्तों। देखिए और मैं अभी उसको खोल दूंगा दोस्तों। देखिए ये इतना भी देखिए दोस्तों कितना ख़राब है दोस्तों ये वाला। ये सब खोलने के बाद भी मैं अभी मॉड्यूल लगा के आपको ये वोल्टेज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए ये दोस्तों ये जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेस PWM बोलते हैं दोस्तों, इसी को भी मैं खोल के फेंक देता हूँ। देखिए खोल दिया हूँ, खोलने के बाद मैं अभी उसका जो 12 वोल्ट से 40 वोल्ट आने वाला है वोल्टेज, मैं उसको पहले चेक करूँगा। देखिए दोस्तों पहले से तो मेरा जो ड्रेन पॉइंट में 330 वोल्ट देखिए 330 वोल्ट आ रहा है, और इसे कैपेसिटर में देखिए दोस्तों अभी 40 वोल्ट आ गया। देखिए दोस्तों मेरे मीटर को ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 40 वोल्ट आ गया। 40 वोल्ट आने के बाद मैं अभी उसका शुरू करूंगा कि जो हमारा मॉड्यूल है दोस्तों, मॉड्यूल को मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अच्छा से अच्छा क्लियर करके मैं अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए देखिए कहीं सेटिंग अटिंग ना होने के लिए मैं अभी उसको साफ कर दूंगा। देखिए साफ कर दिया हूँ दोस्तों। देखिए ये जो मैं पहले से बताया दोस्तों एक कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट में डालना पड़ेगा, देखिए दोस्तों कैपेसिटर की नेगेटिव में देखिए दोस्तों हो गया, और
उसके बाद ये जो ग्रीन पॉइंट है दोस्तों, देखिए ग्रीन पॉइंट को कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में देना पड़ेगा। कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में दे दिया हूँ। देखिए दोस्तों कैपेसिटर के देने वाले के बाद ये जो पीला वाला है दोस्तों, ये मोस्फेट की ड्रेन पॉइंट में देना पड़ेगा। दे दिया हूँ देखिए। और जहाँ पे 300 वोल्ट आता है इस ट्रांसफार्मर, ये चप्पर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, SMPS ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, SMPS का फुल फॉर्म है दोस्तों, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म। और अभी देखिए ये जो हमारा रेड पॉइंट है, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव में देना पड़ेगा। ये देखिए छोटा सा एक 47 40 या 50 वोल्ट कैपेसिटर होगा। देखिए दोस्तों ये देखिए, देखिए 10 UF 50 वोल्ट कैपेसिटर, उसकी पॉजिटिव पॉइंट में दे दिया। और देखिए ये जो ऑप्टोकॉपलर है दोस्तों, देखिए ये ऑप्टोकॉपलर को कैसे गिनती किया जाता है। देखिए दोस्तों ये हमारा पॉइंट जो डॉट दिया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चार नंबर हमारा जो पॉइंट को खोल के, तीन नंबर हमारा ग्राउंड होना चाहिए। देखिए ये ग्राउंड होना चाहिए, ये भी एक आपको जानकारी है दोस्तों। ये जो कैपेसिटर की, देखिए इसके साथ बजर मारना चाहिए, बजर मार रहा है दोस्तों। और ये जो तीन नंबर ग्राउंड है और चार नंबर उसी का, ये जो सफ़ेद वाला पॉइंट में लगेगा दोस्तों। देखिए मैं अभी लगाऊंगा उसको, दिखाइए ये दोस्तों, मैं अभी उसमें पॉइंट कट करके, देखिए ये जो पॉइंट है दोस्तों इसमें डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। देखिए डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा सफेद पॉइंट को इसी का चार नंबर पॉइंट में डाल दूंगा। देखिए दोस्तों कनेक्टिंग हो गया। देखिए दोस्तों फिर भी आप ओवर लुकिंग करना पड़ेगा, देखिए ओवर लुक करना पड़ेगा। देखिए ये जो पांच पॉइंट है, देखिए ये नेगेटिव को कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट में जोड़ दिया, और ग्रीन वाला को कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट में डाल दिया, और जो पीला वाला है हमारा मोस्फेट की ड्रेन पॉइंट में डाल दिया, और रेड पॉइंट VCC वोल्टेज या करंट सेंस पिन भी बोलते हैं दोस्तों, ये स्टार्टिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। ये जो हमारा सफेद को ये ऑप्टोकपलर की चार नंबर पॉइंट में डाल दिया। देखिए दोस्तों इसके साथ इसका कोई शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, देखिए दोस्तों शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा ग्राउंड पॉइंट बोलते हैं या नेगेटिव पॉइंट है, देखिए दोस्तों। तो मैं अभी देखिए दोस्तों उसको, तो अभी आ गया दोस्तों, देखिए वहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग वटिंग है कि नहीं है, मैं पहले ओवरलुक करके पोल टेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कोई मेरे मीटर का, देखिए दोस्तों तो इसमें देखिए ये डायोड है, ये डायोड है, इसमें कोई उसी का शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है दोस्तों, देखिए। और मैं अभी 12 वोल्ट DC रेंज में रख के उसी का वोल्टेज मैं पहले चेक करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अभी इसके जो वोल्टेज है दोस्तों, मैं अभी चेक करूँगा। देखिए दोस्तों ये जो आउटपुट पॉइंट है ये वाला, देखिए ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है दोस्तों, देखिए, और ये वाला पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों मेरे मीटर में, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट आ गया, देखिए दोस्तों कोई फ्लक्चुएट नहीं, कॉन्स्टेंट आ गया। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट कम्प्लीटली बन गया दोस्तों। तो मैं अभी उसी 12 वोल्ट को मैं कम्प्लीटली लोड देके आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए तो कम्प्लीटली 12 वोल्ट कैसे स्टैंड होगा और फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये वाला कैसे लोड लेगा, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक छोटा सा आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और वहां पे मोटरसाइकिल बाइक बोलते हैं दोस्तों, बाइक का एक बल्ब तो मैं अभी वहां पे जला के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों तो ये 12 वोल्ट जो मोटरसाइकिल बाइक का ये इंडिकेटर बोलते हैं, और मैं अभी उसको लोड दूंगा। देखिए
ये वाला नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट में मैं अभी उसको सोल्डिंग कर दूंगा। देखिए ये बल्ब जलेगा, कोई फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट जलना चाहिए, उसके बाद ये वाला लोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा दोस्तों। देखिए ये आपको पहले से मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये हो गया, ये बल्ब जो जलना चाहिए, देखिए दोस्तों, देखिए ये बल्ब चालू हो गया। चालू होने के बाद देखिए मेरे मीटर को भी देखिए, ध्यान दीजिए 12 वोल्ट कॉन्स्टेंट नहीं आना चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, देखिए दोस्तों, देखिए 12 वोल्ट, कोई फ्लैक्चुएट नहीं, कम्प्लीटली 12 वोल्ट आ गया दोस्तों। देखिए तो ऐसे नया नया वीडियो, नया नया सोलूशन, नया नया ट्रिक मैं आपके लिए लेता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वाला जो LED LCD पावर सप्लाई रिपेयरिंग पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दिया हूँ दोस्तों, ऐसे नया जानकारी आपको देता रहूँगा दोस्तों। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और एक जानकारी है दोस्तों, मैं अगला वीडियो में एक अच्छा से जानकारी देने वाला हूँ। ये जो LCD का स्केलर बोर्ड में कैसे वोल्टेज बनता है, DC to DC IC, Gamma IC, Tcon IC और Level Shifter IC, उसी के डायग्राम के साथ मैं कंप्लीट वोल्टेज कैसे आता है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है, उसकी कंप्लीट जानकारी आगे देने वाला हूँ दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।